लोकसभा चुनावों को दौर चल रहा है और ऐसे में जिस दिन वोटिंग होती है तो उस दिन वोट डालने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। लेकिन हरियाणा में इसका समाधान निकालने के लिए कुछ नई तैयारी की जा रही है। प्रदेश में पहली बार लोकसभा चुनाव में वोटर इन क्यू मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि इस बार होने जा रहे लोकसभा चुनाव में इस ऐप का ट्रायल किया जाएगा। शुरुआती दौर में सूबे की 19 विधानसभाओं ट्रायल किया जा रहा है। वहीं अगर इस ऐप का प्रयोग सफल रहा तो इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी 90 विधानसभाओं में इसे लागू किया जाएगा। इन विधानसभाओं में होगा ट्रायल। जिन विधानसभाओं में ट्रायल होना है उनमें करनाल सहित गुरुग्राम, रोहतक, बहादुरगढ़, कैथल, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नूह, पलवल, फरीदाबाद, बड़खल, पंचकुला, अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, यमुनानगर, थानेसर, पानीपत और सोनीपत शामिल हैं। मतदान प्रतिशत में होगी बढ़ोतरी। वोटर इन क्यू ऐप का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वोटरों को वोट डालने के लिए अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो भीड़ कम होते ही वोट डालने के लिए जा सकता है। साथ ही इस ऐप से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी भी होगी। केंद्रों पर लगने वाली भीड़ होगी लाइव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठा रहा है। 25 मई को होने वाले लोकसभा 2024 में मतदाता वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों पर लगने वाली भीड़ को लाइव देख सकेंगे, जिससे मतदाता अपनी सुविधा अनुसार मतदान करने के लिए केंद्र पर जा सकते हैं।